वेलकम अगेन इन द सेकंड सेशन ऑफ द प्री सिलेक्शन ऑनलाइन ट्रेनिंग। सबका वंस अगेन वेलकम। कल सर राजन सर पढ़ाए थे, बहुत कुछ बताए, कुछ होमवर्क भी दिए, कुछ असाइनमेंट दिया सर ने। उसमें कुछ लोगों ने अपना अपना असाइनमेंट भेजा भी है ग्रुप में। राजन सर ने कल कुछ दिया था बुककीपिंग में, बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया था, तो उसमें कुछ लोगों ने बना करके भेजा भी है। और बाकी लोगों से भी उम्मीद है कि वो लोग भी अपना प्रयास किए ही होंगे, हो सकता अपने यहाँ बना भी लिए होंगे। आगे सर कल कंटिन्यू करेंगे, कल के आगे अबे सर तो हम लोग के बीच में आए हुए हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सेकंड सेशन में। और स्पेशल थैंक्स सर, आप कल भी आए आज भी आए, अपना ज्ञान बांटने के लिए आए। हमारे भी जो कैंडिडेट्स हैं सब डेडिकेटेड है, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका क्लास बहुत तल्लीनता से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। स्टार्ट किया जाए सर, समय ओके सर, थैंक यू सर, स्टार्ट कर दिया जाए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? गुड आफ्टरनून सर। हाँ ओके गुड आफ्टरनून सर। कल जो वर्क दिए थे शायद आप लोग कर लिए होंगे, उसमें समझ में आया होगा आप लोगों को क्या? रिप्लाई करेंगे उधर से ओके। हेलो सर, आवाज आ रही है? कल बहुत बनाए उसको, और आप जो असाइनमेंट दिए उसमें बहुत लोगों ने बना करके ग्रुप में पोस्ट भी किया है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? हेलो, आंसर क्या था सर इसका? देखिए किसका, बैलेंस शीट का ना? हाँ सर, बैलेंस शीट में देखिए हम यहाँ पे बनाकर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आया था 5700 ओके। आप लोग मिला लेंगे अपना? हाँ सर ओके। और नेट लॉस इसमें आया था 9030 ठीक है। व्हाट्सएप पे देखे थे सर, इसका थोड़ा सा नीचे बैड डेब्ट्स और रिजर्व बैड डेब्ट्स का थोड़ा बता दीजिएगा सर। हाँ, उसी में एक पोस्ट किए थे हम, देखे थे कि वो उनका जो आया था यहाँ पे 9050 पर है, उनका नेट लॉस आया था, है ना? तो आप देखिए इसमें एक है मेन यही चीज है जो लास्ट वाला जो दिख रहा है आपका रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, है ना? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हेलो हाँ सर, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ हाँ, तो जब क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है राइट ऑफ 400 ओके एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओके। तो ये 400 जो है ना, पहले हमें संडी डेप्टर से माइनस करना पड़ेगा, पहले हम उसको माइनस करेंगे। रिजर्व फॉर बैड डेप्स यहाँ दिया हुआ है, रिजर्व फॉर बैड डेप्स, है ना? तो मेरा जो क्वेश्चन में संडी डेप्टर्स है 8000, आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे है लिखा हुआ सर 8000 है ना संडी डेप्टर्स। उस 8000 में से पहले 400 आप माइनस कर लेंगे, जो बैलेंस आएगा उस पे आप 5% निकालेंगे, क्योंकि पहले जो रिजर्व अमाउंट है उसको माइनस करेंगे, फिर उसके बाद उस पे परसेंटेज निकालेंगे। तो आपका 380 इसमें आएगा रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो 5% दिया हुआ है 380 आएगा। इस प्रकार से इसमें आपका नेट लॉस जो है 9030 हो जाएगा, समझ रहे हैं? बाकी लगभग वो सब ठीक था, उसमें हम देखे थे 8:30 के आसपास एक पोस्ट किया गया था व्हाट्सएप पे, और फिर वही जब नेट लॉस यहाँ कैपिटल से जब माइनस होगा, है ना, तो 9030 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इसमें जो बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा 68270 आएगा, ठीक है? आप लोग बनाए, मतलब वो मैच कर रहा है क्या कि नहीं?
या कहीं डाउट है तो बोलिए। हेलो, नेटवर्क का ही इशू है, नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। यस सर, कंटिन्यू, आपको हम लोग सुन पा रहे हैं सर, स्टार्ट करिए क्या जाए। ओके ओके, तो ये पूछ रहे थे कि बैलेंस शीट जो है उसमें आप लोग कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, आप लोग एक बार रिप्लाई करेंगे तो क्लियर होगा। हेलो, अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मतलब तो कौन सा आइटम आपका ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट के प्रॉपर्टी में और एसेट्स में कौन कौन सा आइटम जाएगा, उसका यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है फोर नंबर पेज पे, ठीक है? जैसे ओपनिंग स्टॉक को हम लोग हमेशा ट्रेडिंग में रखते हैं, ये तो आप लोग बना भी रहे होंगे बैलेंस शीट। इसमें कुछ कुछ है जैसे कि इसमें हम क्लियर करना चाहेंगे, कभी कभी आता है वेजेज एंड सैलरीज, ठीक है? आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा वेजेज एंड सैलरीज। सुन रहे हैं मेरी बात आप लोग? यस सर। हाँ हाँ, तो पीछे कोई दिक्कत नहीं ना है बैलेंस शीट में आप लोगों को? क्लियर हो गया होगा सर? थोड़ा कर्सर को ऊपर कीजिए तो जहां आप सोल्व किए हैं बैड डेब्ट्स वाला, यहाँ हाँ, ये 400-380 को ऐड किया है ना? नहीं नहीं, 8000 जो आपका डेब्टर्स है उसमें से पहले राइट ऑफ का जो अमाउंट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में उसको माइनस कर लेंगे, पहले माइनस करेंगे, ठीक है सर? वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ। सर सुनिए ना, वो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि 400-380 को ऐड किया है ना? हाँ, यहाँ 380 ऐड हुआ है यहाँ से। ठीक है सर, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। नहीं सर, इसको थोड़ा बता दीजिए कौन सा क्यों किया ऐसा सर? वही राइट ऑफ वाला सर। हाँ, इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। 5 नंबर में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है राइट ऑफ RS 400 एज बैड डेब्ट्स, ठीक है? एंड प्रोवाइड 5% फॉर रिजर्व्स एंड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो पहले में से 400 रुपया माइनस करेंगे, है ना? उसको राइट ऑफ कर दिया है, समझ लिए कि पैसा आएगा नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा। अब माइनस करने के बाद हमको 5% इस पर रिजर्व रखना है, ठीक है ना? माइनस करने के बाद उसका बचा हुआ का 5% रिजर्व बना है। हाँ, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 5% ही हम यहाँ पे लेंगे उसको, ठीक है? और उसको फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में भी वहाँ उसी प्रकार से दिखाएंगे, है ना? अभी अच्छा। पीएल के ट्रेडिंग में, पीएल के डेबिट में देख लिए 380, और फिर बैलेंस शीट के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड में भी आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। संडी डेप्टर्स आपका 8000 दिया हुआ है, बैड डेप्स उसमें 400 रुपया हो गया, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स 380 रुपया। ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे यानी माइनस करेंगे 400-380 तो 7320 रुपया आएगा, ठीक है ना? इसमें यही एक आपका थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज सब आपका ठीक ठाक है ना? यही से आपका बैलेंस बन जाएगा, हो जाएगा सर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब यहाँ पे है कुछ आइटम, इसको नोट कर दिया है इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा जाएगा, ठीक है? ये कुछ यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एक यहाँ ओपनिंग स्टॉक यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना? ये तो आप लोग क्लियर हो गए। एक थोड़ा सा देख लीजिए वेजेज एंड सैलरीज, ठीक है?
ये इसमें और एक दे देगा सैलरी एंड वेजेस। यदि आपके ट्रायल बैलेंस में वेजेज एंड सैलरी दिया हो और सैलरी एंड वेजेस दोनों दिया हो तो किस अमाउंट को ट्रेडिंग में लेंगे, किस अमाउंट को पीएल में लेंगे। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। जब उसके स्टार्टिंग में वेजेज एंड सैलरी लिखा होगा तो उसको ट्रेडिंग में भेजेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। और जब सैलरी एंड वेजेस लिखेगा तो उसको पीएल के डेबिट में भेजेंगे, ओके। जैसे यहाँ पीएल के, यहाँ पीएल के अभी आ गए हैं लिस्ट में, यहाँ पे मिलेगा आपको सैलरी एंड सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस है ना, ये दोनों को आप लिखेंगे। हाँ। बाकी सब इसमें ठीक है आपका, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइटिंग, सभी ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस सब बनेगा। जैसे अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, किसी का भी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो डेबिट में जाएगा पीएल के, समझ रहे हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, ओके। कैरेज आउटवर्ड है यहाँ पे सभी, इसको देख करके आप जब भी मिलेगा तो आप उसको मैच करते हुए इसको सही पीएल में जाएगा या ट्रेडिंग में जाएगा। सर प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर किस में जाएगा, कल पूछे थे बताए थे इसमें ट्रेडिंग में जाएगा। नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होगा ना वो सब जाएगा पीएल के डेबिट में जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब जो है। प्लांट एंड मशीनरी का भी? हाँ, रिपेयर जो भी होगा ना, चूंकि होता है एक्स्ट्रा समय से उसमें खर्च करेंगे, ठीक करवाएंगे उसको, है ना सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए ना, सुन रहा है, बोलिए। रिपेयर यदि प्लांट्स का होगा सर तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर। प्लांट्स का रिपेयर, रिपेयर सर लिसन मी, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स रहेगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन यदि रहेगा कि रिपेयर्स टू प्लांट तो दैट विल बी गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। रिपेयर टू प्लांट, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, तो आप करेंगे रिपेयर टू प्लांट्स होगा तो डेबिट में देंगे ट्रेडिंग के, यस सर। सर तो इस पे डाउट क्रिएट हो गया है ना, और हालांकि हम डेबिट उसको ट्रेडिंग के डेबिट बोले थे आपको, अच्छा उसको देख लें। नहीं नहीं, डाउट डाउट नहीं है सर, क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, बहुत सारा आइटम है और आगे आइए। जीएम का कमीशन किस में जाएगा सर? कौन सा? जनरल मैनेजर का कमीशन तो दिया रहता है कभी कभी। इसमें यहाँ पे लिखे होंगे आपको, वो लिखा रहता है कि नेट प्रॉफिट पे जीएम का कमीशन निकालिए। वो माइनस होता है यहाँ पे, कमीशन शब्द है ना, है ना, उसका पे यहाँ माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जब बैलेंस शीट के कैपिटल में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे लिखे हुए ड्रॉइंग है, नेट लॉस है, इनकम है, प्रीमियम देंगे, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज होगा या कमीशन होगा उसमें, है ना। एक चीज यहाँ दिखा रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक जो है, हेलो हेलो, जी सर बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक में कभी कभी दो प्रकार का दे देता है, जैसे एक अमाउंट अलग रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, उसका मार्केट वैल्यू अलग दिखाएगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में रहेगा में एडजस्टमेंट में देगा, तो उसमें जो अमाउंट कम होगा उसी अमाउंट को हम लेते हैं, ठीक है। और ये हमेशा याद रखेंगे कि एडजस्टमेंट में जो भी अमाउंट दिया रहता है उसको दो जगह एंट्री होता है, है ना, और ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहेगा वो केवल एक जगह एंट्री होगा, ठीक है। एग्री सर। तो जब भी एंट्री करेंगे छूटेगा, यदि मान लीजिए आपका बैलेंस शीट नहीं मिलेगा तो उसमें उसको चेक कर लेंगे कि हाँ जो भी एडजस्टमेंट में दिया डबल एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें छूट जाता है। जैसे कभी हम लोग
बैलेंस शीट में लेते हैं, पीएल में नहीं लेते हैं उसको, तो आपको नहीं मिलता। अच्छा सर एक चीज और पूछना था। मतलब आंसर तो नहीं मिलता है पर कभी कभी बैलेंस शीट मिल जाता है, तो क्या नंबर मिलेगा सर? देखिए जैसे कि अभी देखिए अभी एक अभी में बनाए थे तो 380 रुपए के बदले वो 400 रुपए ले चुके थे, है ना, तो 20-30 रुपए हो गया तो मिलेगा, मार्क्स देता है मतलब। तो एक क्या जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, और होता है क्या कि यहाँ पे डिपेंड करता है क्या वो उनको दे दिया गया इतना मिलेगा तो देंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ऐसे मिलता है मार्क्स, समझ रहे? ठीक है। हाँ नंबर मिलेगा सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है ओल्ड और न्यू, इसमें क्या डिफरेंस है? यदि ओल्ड ज्यादा हो तो उसको क्रेडिट साइड दिखलाना है, अगर न्यू कम हो तो, इसका क्या थोड़ा बताइए इसमें सर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जी, अरे वो क्रेडिट साइड डेबिट साइड दिया हुआ होगा? नहीं डेबिट साइड दिया हुआ है, जो क्रेडिट साइड रहेगा उसको सही लिख देंगे, है ना सर? नहीं आपका ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ओल्ड प्रोविजन ज्यादा। हेलो जी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया हुआ है जी। अच्छा तो जैसे इसमें क्वेश्चन हम लोग दिए थे ऊपर में, है ना, बैड डेब्ट का, लेकिन प्रो बोलिए एक क्वेश्चन में सर दिया हुआ है सर कि जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है डेबिट में दिया हुआ है क्वेश्चन में बैलेंस शीट, लेकिन इसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में दिखाया है, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है न्यू प्रोविजन से, तो एडजस्टमेंट में कुछ दिया है उसमें, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। हेलो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है न्यू प्रोविजन। हाँ हाँ उसको वहां से अमाउंट को माइनस करेंगे से। हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर, कुछ बोले हम? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो बोल रहे हैं ना सर, यदि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो बैड डेब्ट्स में जाता है तो बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट रहेगा और न्यू प्रोविजन का जो अमाउंट रहेगा दोनों को ऐड करेंगे, यदि वो उससे ज्यादा रहेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। नहीं ओल्ड से कम रहेगा तब ना, ओल्ड से कम रहेगा तब। हाँ ओल्ड जो है उसको माइनस करेंगे, सुनिए बता रहे, बैड डेब्ट्स दिया रहेगा आपका, मेरी बात सुनिए, अब उस पे रहेगा न्यू रिजल्ट, ठीक है? जब बैड डेब्ट्स ज्यादा रहेगा ओल्ड से तब ना, ये ना हाँ 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 उसको माइनस करेंगे आप क्रेडिट तो में लिखे, डेबिट साइड में रखें, सुनिए ना आप क्रेडिट में लिखे या आप जो है न्यू रिजर्व को डेबिट में रखें, है ना, तो करना क्या है कि न्यू रिजर्व में जो आएगा टोटल अमाउंट, बैड डेब्ट्स दे दिया आपका, ठीक है, न्यू रिजर्व जो निकाल लिए जो आपका डेब्टर है उसमें 5% 2% जो भी दे दिया हो, है ना जी, उसको ऐड कर लेंगे, बैड डेब्ट्स प्लस ऐड न्यू रिजर्व, ठीक है जी जी जी, और माइनस करेंगे ओल्ड रिजर्व जी, ठीक है, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा जी, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा टोटल फिगर उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे पीएल के जी, ठीक है, उसको ऐसे एडजस्टमेंट करके और फिर एंट्री करते हुए बढ़ेंगे, लेकिन जब वो माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा उसको क्या करेंगे सर? माइनस में नहीं आएगा उसको, क्रेडिट साइड में पहले लिख करके घटा करते हैं। नहीं नहीं आप जब जाएंगे अगर इसको क्रेडिट में लिख लेंगे तो आपका अमाउंट पुराना प्रोविजन, अगर पुराना पहले देखना पड़ता है उसमें कि पुराना प्रोविजन जो है नया प्रोविजन से ज्यादा है तो उसको क्रेडिट साइड में करके जो है सो उसका हिसाब किया जाता है। हाँ यही चीज हम पूछ रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं। हाँ 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 आप ठीक पूछ रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं वही होता ही है। देखिए बता, यदि ओल्ड रिजर्व यदि बढ़ जाता है आपका न्यू रिजर्व से, है ना कर रहे हैं जी जी जी
न्यू रिजर्व और प्लस बैड डेब्ट, टोटल से यदि ओल्ड रिजर्व बढ़ जाता है तो उसको क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं। मान लीजिए ओल्ड रिजर्व आपका 3000 आ गया और न्यू रिजर्व में मान लीजिए कि 2500 आ गया, यही ना? जी जी। तो 100 रुपया बैड डेब्ट्स भी मान लीजिए और 100 रुपया बैड डेब्ट्स भी मान लीजिए तो 2600 रुपया हुआ। सुनिए बैड डेब्ट्स, आप सुनिए एक मिनट सुनिए, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू रिजर्व मान लीजिए मिला के 2500 रुपया आया, ठीक है? ठीक सर, ठीक। ओल्ड रिजर्व यदि मान लीजिए 3000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको 500 रुपया जो बचा उसको क्रेडिट में ले लेंगे। हाँ यही चीज पूछ रहे हैं सर। हाँ चूंकि वो तो क्लियर है ना कि आपका बैड डेब्ट्स जैसे घटा है, जब वो कम रहेगा तो डेबिट में आ जाएगा, है ना? ओल्ड रिजर्व यदि ज्यादा हो गया तो क्रेडिट में ही आता है, तो क्रेडिट में चला जाएगा, उसको ऐड करके वहां से लेंगे, है ना? ठीक, क्लियर हो गया सर। ओके, और इसको फिर आप ले जाएंगे बैलेंस शीट में भी वहां नहीं? हाँ वो तो फिर बैलेंस शीट में जाएगा ही, जैसे है वैसे तो, ठीक है? तो ये जो है, हाँ, इस टाइप का एडजस्टमेंट जो संदीप डेप्टर्स पे आएगा, मान लीजिए बहुत थोड़ा हाई लेवल का हो गया, थोड़ा छोटा मोटा मिलेगा जो भी है उसको देखिएगा थोड़ा। और आगे बढ़े, और कोई डाउट? ठीक सर, आगे बढ़िए। और ये जो दिया हुआ है, जो आइटम दिए हैं उसमें आप लोग नहीं है समझने में, ये बैलेंस शीट में यही सब है आपका, फिर बैलेंस शीट का आपका जो फाइनल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज है ना, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, इसमें जो जो आइटम सब है मैक्सिमम इसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है? बैलेंस शीट का आपका ये कुछ यहाँ एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लाए थे, आप लोग देखिएगा पढ़िएगा इसको, है ना? ये कई बार पूछा हुआ है आप लोग का, देख रहे हैं स्क्रीन पर, बता दीजिए सर इसको। ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट, है ना, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है? इसमें देखिए विनिमय पत्र में क्या है, इसमें पार्टी होगा, लिखने वाला होगा, प्लस देनदार होगा, ठीक है, तीन पक्षकार होंगे। प्रमाइजरी में प्रतिज्ञा में क्या होगा, लेने वाला और देने वाला, इसमें दो ही होता है, ठीक है? इसमें जो लेने वाला भी लिखता है विनिमय में, हाँ, और प्रतिज्ञा में देने वाला लिखता है, पेपर बना कर देता है कि हम पैसा जो आपको 1 महीना 10 दिन 15 दिन महीने में वापस करेंगे, ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज में इसमें कोई आपका शर्त नहीं देगा, लेकिन आपका प्रोमाइजरी में आपका जो है शर्त, इसमें शर्त लगा रहेगा कि हाँ आपको हम वापस करेंगे इतना दिन, इसमें आप इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। पिछले बार एग्जाम में सर एक आय व्यय खाता बनाने के लिए भी दिया था सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, नहीं सर, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर वाला कुछ दिया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ उससे बनाने के लिए दिया था सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा, सर कल आपसे हम पूछे थे। यस सर, ये क्वेश्चन कल कोई और भी पूछ रहे थे। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। एक चीज पूछना था सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कौन किस में जाता? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि मेंटेनेंस हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, मेंटेनेंस रेवेन्यू में जाएगा। हाँ तो वो किस में जाएगा, वो उसको जाना किस में चाहिए, ट्रेडिंग में या पीएल में? जी सर, मेंटेनेंस जो रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं आप, है ना? तो अभी हाँ सर, वो दो तरह से हो सकता है सर,
एक तो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। जी सर, अभी उस पर डिस्कशन हुआ ना कि हाँ प्लांट मशीनरी का जाएगा तो आप ट्रेडिंग में उसको डालेंगे, है ना। जैसे उस मान लीजिए प्लांट और मशीनरी का मंथली रिपेयरिंग है, ऑयलिंग वगैरह में खर्चा हो रहा है, वो किस में जाएगा? ऑयल एंड ग्रीस, वो किस में जाएगा? ऑयल एंड ग्रीस जो है वो ट्रेडिंग में है, आपके यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, गैस, फ्यूल, पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ईटीसी सभी कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग में जा रहा है। ग्रीस से मतलब हुआ कि मेंटेनेंस उसका, जो मंथली मेंटेनेंस अगर हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब ग्रीस उसका ये एनर्जी की बात नहीं कर रहा है। नहीं, मंथली यदि आप दे रहे हैं उसको, मंथली या वीकली अगर हम कुछ मेंटेनेंस करते हैं तो उसका एक्सपेंस किस में जाना चाहिए? वो तो रेवेन्यू नेचर का हुआ ना। हाँ, तो उसको फिर आप पीएल के डेबिट में दीजिए, है ना। जी सर, क्योंकि ये तो ग्रीस सिर्फ आपको उस प्लांट को चलाने के लिए चाहिए तो उसको हम ट्रेडिंग में ही डालेंगे, फ्यूल, पावर, ऑयल, ग्रीस जो। हाँ, वो तो एनर्जी नेचर का है इसलिए। लेकिन जब मेंटेनेंस करेंगे, है ना, उसको वो जो आइटम बतलाया उसको आप पीएल में दीजिए, जैसे आपका इसमें होगा। तो इसमें आप इसको पढ़ेंगे इसको, है ना, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन इस पे लाए थे, इसमें देखा और ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है, ये भी पूछा गया है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। व्यापारिक कटौती का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना है, यानी ट्रेड डिस्काउंट किसी सामान पर देकर के हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेचे, है ना। कैश डिस्काउंट देते हैं कि हमें पैसा जो है तुरंत प्राप्त हो जाए, नहीं जैसे कि 2% 5% उसको डिस्काउंट देकर हम पैसा लेना चाहते जल्दी से। इसके ट्रेड डिस्काउंट में इसके जो गन्ना है जो मूल्य होगा बीजक का उस पर उसका जो परसेंटेज 5-10% जो भी उसको हम छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, उसका वो बनाएंगे इस पर, इस फॉर्मूला के आधार पर। और कैश डिस्काउंट में इसकी गणना बीजक मूल्य में से व्यापारी कटौती घटाने के बाद जो राशि बचेगा उस पर करेंगे, ठीक है। व्यापारी कटौती यानी ट्रेड डिस्काउंट का जो लेखा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल जो बेचते हैं उसका जो मूल्य मिलता है उसको हम एंट्री करते हैं, है ना। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं अपने, है ना, लेजर में उसको एंट्री करते हैं कि मैंने इतना डिस्काउंट दिया उसको। या मान लीजिए व्यापारिक कटौती की दशा में भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग उसको कहते हैं कि यदि आप उनको एक सप्ताह में दे देंगे तो 10% का डिस्काउंट देंगे, है नहीं, या एक महीना में देंगे तो 5% का डिस्काउंट देंगे। उस टाइप से इसमें समय के आधार पर उसका डिस्काउंट जो है हम लोग इसको देते हैं ताकि हमको पैसा जल्दी से वापस मिले, कैश डिस्काउंट कैश, ठीक है। इसको देख लेंगे आप लोग। एक कल पूछा गया था शायद कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश में क्या है, इसमें जो भी हम लोग सामान बेचते हैं उसका हमको नगद तुरंत प्राप्त हो जाता है, लेकिन क्रेडिट में, हाँ बोलिए, ले आइए, हेलो। लेकिन क्रेडिट में जो बेचते हैं उसको हमको पैसा तुरंत नहीं मिलता है, नगद नहीं प्राप्त होता है। इसमें कैश में सेल करेंगे तो हमको कोई जोखिम नहीं रहेगा, वो पैसा में मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें तो पैसा तुरंत मिल गया है, इसमें कोई हमको संशय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का जोखिम नहीं रहेगा बिजनेस के। लेकिन क्रेडिट में बेचेंगे
हमको हमेशा बना रहेगा डर कि वो पैसा देगा या नहीं देगा, नहीं इसी पे मेरा फिर यहाँ पे बैड डेब्ट्स यहाँ पे सर उधार चल क्या क्रेडिट सेल को उधार में भी बेचना कर सकते हैं? हाँ हाँ उधार में बेचना उसको क्रेडिट किया है हाँ, ताकि हमको पैसा वो बाद में देगा है ना। अब ये इसमें कैश सेल करेंगे तो बैड डेब्ट्स नहीं बनेगा है नहीं, लेकिन क्रेडिट सेल करें तो बैड डेब्ट्स बनता है, वो पैसा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा है ना। इसी पे हम लोग जो आगे बैलेंस शीट में देखते हैं ना बैड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रखते हैं हम लोग कि शायद हमें ना मिले या मान ली इतना मान करते हैं कि नहीं मिलेगा है ना। उसके बाद कैश सेल करें तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा वो, क्योंकि पैसा हमें तुरंत मिलेगा हम फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल करेंगे तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, पैसा हमें बाद में मिलेगा वो और उसमें भी संभावना रहेगा मिलेगा नहीं मिलेगा है ना। कैश सेल में हम लोग प्रतिज्ञा पत्र नहीं बनाते हैं, इसमें जैसे बोले ना इसमें हम लोग प्रतिज्ञा पत्र बनाया जाता है या बना सकते हैं, और इसमें और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि कैश सेल हम किसी को भी बेच सकते हैं नहीं किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल में क्या है जो जान पहचान का है या पुराना जो मेरा कस्टमर है उसको देंगे। हाँ और आप लोग कोई दिक्कत है पूछिए बोलिए। हेलो हेलो कोई दिक्कत है आप लोग को? नो सर कोई दिक्कत नहीं सर। बैड डेब्ट्स का डाउट क्लियर हो गया ना, इस बैलेंस शीट में आपका बैड डेब्ट्स रिजर्व बैड डेब्ट्स न्यू बैड रिजर्व बैड डेब्ट्स ये सब बहुत एक दो तीन फंसाएगा ठीक है, उसको क्लियर कर लीजिएगा। सर पूंजीगत प्राप्ति और आगम प्राप्ति पर सर एक बार बोल दीजिए समझाइए तो सर। क्या क्या पूंजीगत प्राप्ति और आगम प्राप्तियां? जीवन प्राप्तियां पूंजीगत रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट जी जी हां हां जिस पे बाद में इसको हम देखेंगे उसको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा है ना। ठीक है सर कोई बात नहीं शेयर कर देंगे और अभी समय खत्म हो रहा है, हम लोग थर्ड सेशन के लिए जल्दी ज्वाइन करेंगे 3:20 में ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है सर ठीक है हाँ जल्दी ज्वाइन करेंगे थर्ड सेशन में, यहाँ भी क्लोज करना है 4 बजे ऑफिस को, इसमें जल्दी ज्वाइन कर जाइएगा थर्ड सेशन फिर 20 में चालू कर देंगे सर। हेलो हाँ सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कुछ बता दीजिए यदि समय है तो। ग्रुप में डाल दीजिए क्वेश्चन सर दे देंगे जवाब उसका, अभी समय खत्म हो गया है। राकेश रंजन लाल सर भी है, टेस्ट कर लिया है सेकंड सेशन में भी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन लाल सर आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं।